रिश्ते बिगड़ते हैं, करियर ख़त्म हो जाते हैं, पैसे डूब जाते हैं, अपनों को खो देते हैं और कभी कभी हम खुद को भी खो देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो है उसे हम स्वीकारते नहीं, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, वो मैरिड कपल्स हो, ज़्यादातर रिलेशनशिप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम एक्सेप्ट करने की जगह एक्सपेक्ट करने लगते हैं। मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, उसको नहीं लगता। मुझे पार्टी में जाना अच्छा लगता है, उसको नहीं लगता। वो खर्च ही नहीं करता, उसे मूवीज़ देखने का शौक नहीं है, शायद पहले भी नहीं था। थिंक अबाउट इट। प्रॉब्लम ये है कि वो इंसान जैसा है ना, हम अगर सिर्फ उसको वैसा ही मान लें, एक्सेप्ट कर लें, तो हमारे बहुत सारे रिश्ते बच जाएंगे। क्योंकि शादी ना या फिर प्यार हमने एक्सपेक्टेशन से नहीं किया था, हमने उस इंसान से किया था। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा क्रिकेटर बने, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना है उसे। रोज उसे एकेडमी भेजता हूँ, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, सबसे एक्सपेंसिव क्रिकेट किट ला के दिए। लेकिन जो बेटे जान है उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और साफ साफ दिख रहा है कि वो पैशनेट नहीं है गेम के बारे में। एक दिन होता है मिस्टर पापा और बेटे जान का क्लैश, और बेटा बोलता है मुझे नहीं खेलना क्रिकेट। दोनों के रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। बट हु इज़ एट फॉल्ट? ऑफ कोर्स मिस्टर पापा, क्योंकि हमें ये समझना है कि हमारे बच्चे ड्राइंग बुक्स की तरह नहीं होते कि जो मनचाहा कलर उसमें भर दिया, वो अपने रंग खुद चुनते हैं। ऑफिस में बॉस के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जब टीम बनाई थी तो उन्हें पता है उन्होंने दो टाइप के लोग रखे थे, एक खरगोश थे टैलेंटेड, दूसरे कछुए हार्ड वर्किंग। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन की बारी आई तो दोनों से एक ही तरह की एक्सपेक्टेशंस। अब ये तो गलत है ना। ऐसे ही घर में हम प्रॉब्लम करते हैं, हमारे मेड्स, हमारे हेल्प्स, हमारे ड्राइवर्स, हम जिस तरह की उनको सैलरी देते हैं उससे उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 स्टार काम मिले। कितना ही उनको आता तो वो हमारे लिए काम नहीं करते, वो भी किसी बड़े ऑफिस में काम कर रहे होते। एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जितना देंगे हमें उतना मिलेगा। कभी कभी कुछ अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस हम खुद से भी रखते हैं। अब हमने काम किया, ब्रेक लेने का मन है, अच्छे खासे पैसे की सेविंग हो गई है, मगर हम ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि हम सोचेंगे घर वाले तो हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, या फिर हमारा टैलेंट किसी और चीज़ में था, हम गाते अच्छा थे या फिर पेंट अच्छा करते थे, लेकिन फैमिली ने बोला सरकारी जॉब लेनी है, तो आज जिंदगी फंस गई क्योंकि हमने सुनी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को और ख़ुद को एक्सेप्ट नहीं किया। लाइफ में से ही शुड, दे शुड, आई एक्सपेक्ट यू टू, ये सब जो सेंटेंसेस है ना, इन्हें निकाल देना चाहिए। हमें एक्चुअली खुद को रिमाइंड कराना चाहिए वो इंसान जैसा है हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना है। सिर्फ इतना ही तो सोचना है, हमेशा हर बिहेवियर, हर एक्शन, हर सोच को राइट और रॉन्ग के कटघरे में नहीं डाला जा सकता। ऊपर वाले ने हर इंसान को अलग बनाया है तो डिफरेंसेस तो होंगे ही। और अगर हम सिर्फ इतना सोच लें कि हमें कोई इसकी सजा दे कि हम उससे डिफरेंट हैं, तो हमें कैसा लगेगा?